नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका अपना किसान मित्र नितिन आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए गन्ने से संबंधित एक खास जानकारी लेकर। किसान भाइयों, हमारा गन्ना लगभग पेराई के लिए तैयार है और लगभग सभी गन्ना मिले आने वाले 10 से 15 दिन में चल जाएंगी। इस समय कुछ किसान भाइयों को चिंता रहती है कि उनकी गन्ने की फसल इस बार थोड़ी हल्की रह गई है। किसान भाइयों, इस समय उन्हें न तो कोई खाद डालने का फ़ायदा मिलता है और न ही कोई टॉनिक डालने का, क्योंकि इस समय अगर हम अपने खेत में कोई भी खाद या टॉनिक डालते हैं तो उसका असर हमारे गन्ने के उत्पादन पर नहीं देखने को मिलता। इसीलिए किसान भाइयों, हम आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स लाए हैं जिनको अपनाकर आप अपने गन्ने के उत्पादन को 15 से लेकर 20% तक भी बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। किसान भाइयों, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारी यह पहली वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें। किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपको इस समय अपने खेत में नमी बनाए रखनी है, क्योंकि इस समय अगर गन्ने के खेत में ज़मीन सूखी रहती है तो हमारे गन्ने का वजन घट जाता है। इसलिए आपको इस समय अपने खेत की ज़मीन को बिल्कुल भी सूखा नहीं रखना है। इस समय अपने खेत में पानी अवश्य दें। ऐसा करने से गन्ने का वजन बढ़ता है जो आपके कुल उत्पादन का 8 से 10% तक हो सकता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं हमारे अगले टिप्स के बारे में। किसान भाइयों, आपने कई बार देखा होगा कुछ किसान भाई खेत में गन्ने काटते हैं तो वह ज़मीन से 3 से 4 उंगल ऊपर से गन्ना काटते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर हर गन्ने को उसके 3 से 4 उंगल ऊपर से काटा जाएगा तो पूरे खेत का उत्पादन लगभग 4 से 5% तक कम हो जाता है। अगर आप पूरे का एवरेज निकाल के देखेंगे तो आपको एक बीघे में लगभग 8 से 10 क्विंटल का उत्पादन का फ़र्क देखने को मिल जाता है। किसान भाइयों, गन्ना हमेशा ज़मीन के बराबर में से काटना चाहिए, जो ज़मीन के समतल हो बिल्कुल। किसान भाइयों, इससे आपको कई फ़ायदे मिलते हैं। जैसे अगर आपका पौधा गन्ना है तो इसमें टिलरिंग यानी फुटाव अच्छे से होगा, और अगर पेड़ी गन्ना है तो जो 3-4 उंगल गन्ना छूट जाता है, जो हमारा इतना गन्ना खेत में ही बर्बाद हो जाता है, उसका वजन आपके उत्पादन में जुड़ जाता है। इसलिए किसान भाइयों, आपको गन्ना हमेशा ज़मीन के बराबर में से काटना है। अगर आप इस 3-4 उंगल का एवरेज पूरे खेत से निकालेंगे तो आप देखेंगे कि यह कुल उत्पादन का 4 से 5% तक हो जाता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं तीसरे टिप्स के बारे में। किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि हमारे कुछ किसान भाई या फिर गन्ने की पतराई करने वाली लेबर जब गन्ने की पतराई करते हैं, यानी गन्ने से पत्ते को अलग करते हैं और अगोला बनाते हैं, तो वह अगोला में गन्ने के कुछ हिस्से को काट देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है और ना ही अपनी लेबर को करने देना है। आपको हमेशा जहां गन्ना ख़त्म होता है और अगोला शुरू होता है वहां से 3-4 उंगल ऊपर से कटाई करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके गन्ने का उत्पादन लगभग 5 से 6% तक बढ़ जाता है। किसान भाइयों, अगर आप इन तीनों बातों का ध्यान रखेंगे और इन्हें अपनाएंगे तो आपको अपने गन्ने के उत्पादन में 15 से 20% तक का फ़र्क देखने को मिलेगा। इसलिए इन बातों का ख्याल रखें। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी अन्य विषय में वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।